नमस्कार दोस्तों दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय सेना भर्ती रैली 2020 का। जो अंबाला जोन है वहाँ से सेना भर्ती निकल कर आई है। 10वीं 12वीं 8वीं पास के लिए सेना भर्ती रैली आ चुकी है दोस्तों। रिक्वायरमेंट ऑफिस है हेडक्वार्टर अंबाला आर्मी। रिक्वायरमेंट रैली एट तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में ये सेना भर्ती रैली होगी। ये 12 मई से 22 मई 2020 के लिए सेना भर्ती रैली आ चुकी है दोस्तों। दोस्तों, भारतीय सेना भर्ती रैली की 2020 की संपूर्ण जोनों की लिस्टें आ चुकी है। वो हम प्रत्येक वीडियो में आपको बता देंगे दोस्तों, किस किस जोन की कब सेना भर्ती रैली होने जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पास में बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कर लो, ताकि आर्मी से जुड़ी हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं अंबाला जोन से जो सेना भर्ती रैली आई है, जो यमुनानगर में होने वाली सेना भर्ती रैली है, उसमें आपकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उनकी सेना भर्ती रैली होगी दोस्तों, और आप कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और आपकी सेना भर्ती रैली है वो 12 मई से 22 मई 2020 के लिए होने जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं यमुनानगर सेना भर्ती रैली का संपूर्ण नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफिस है हेडक्वार्टर अंबाला आर्मी। रिक्वायरमेंट रैली एट तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुनानगर सेना भर्ती रैली होगी दोस्तों। यह दोस्तों 12 मई से 22 मई 2020 के लिए सेना भर्ती रैली होने जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट है अंबाला है, कटिहार है, करनाल है, और यमुनानगर है, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र है, इनके लिए सेना भर्ती रैली आई हुई है दोस्तों। दोस्तों, ये सेना भर्ती रैली 12 मई से 22 मई 2020 के बीच में होगी, तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में होने जा रही है दोस्तों। इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो 13 मार्च से 26 अप्रैल 2020 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी 13 मार्च से 26 अप्रैल 2020 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आपके लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो 27 अप्रैल से 11 मई 2020 तक आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वो एडमिट कार्ड लेकर आप सेना भर्ती रैली जो यमुनानगर ग्राउंड है वहाँ पे जा सकते हो दोस्तों। दोस्तों, इसके लिए आयु की गणना है वो सेना भर्ती में चेंज हो गई है दोस्तों। 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी आयु है तो आप केवल जनरल ड्यूटी यानी जीडी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपकी हाइट है वो 1.70 है, वेट 50 kg, 77 सेमी प्लस 5 सेमी फुला आपका चेस्ट होना ज़रूरी है। आप 10वीं पास हो तो और 45% आपके नंबर हो तो आप जीडी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, इसमें आपके प्रत्येक विषय में 33 नंबर होना अनिवार्य है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद में कलर्क है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी योग्यता, आपकी आयु, आपकी हाइट, वो सभी में क्या होनी चाहिए, यानी आप 17.5 से 23 वर्ष की आयु है, यानी 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी यानी जन्म दिनांक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपकी हाइट है वो 1.62 सेमी होना ज़रूरी है, वेट 50 kg है, 77 सेमी प्लस 5 सेमी फुला आपका चेस्ट होना ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों, इसमें 10वीं 12वीं पास आपका दोनों होना अनिवार्य है। इसमें जो 60 नंबर आपके होने ज़रूरी है, और इंग्लिश है उस सब्जेक्ट में आपके 50% यानी 50 नंबर होना ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन गोरखा आल, इनके लिए जो सेना भर्ती रैली है उसमें हाइट और वेट सभी में छूट दी गई है दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस सेना भर्ती में रैली में केवल 10वीं पास व 12वीं पास के लिए सेना भर्ती रैली है दोस्तों। इसमें आपकी रनिंग होगी वो 1600 मीटर रनिंग होगी, उसके लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड अधिकतम समय दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें 5 मिनट 30 सेकंड में आप रनिंग पास करोगे 1600 मीटर तो आपको 60 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अपनी रनिंग यानी दौड़ पूरी करते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये नंबर है जो जो रनिंग है उसमें फिजिकल टेस्ट होता है वो 100 नंबर का होता है, उसमें आपको
60 नंबर तो रनिंग के हो जाएंगे या 48 नंबर आपके रनिंग के हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी जो भीम है उसके नंबर भी मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों भीम के आप ज़्यादा निकालोगे यानी 10 भीम तो निकालना ही है, 10 से कम निकालोगे तो आपके अंक कम हो जाएंगे यानी आपको नंबर कम मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 10 भीम है उसके 40 नंबर है, 9 के 33 है, 8 के 27 है, 7 के 21 है और 6 के 16 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 6 से कम निकालोगे तो आप सेनापति से बाहर हो जाओगे और आपके जो 9 फीट गड्ढा है वो पार करना होगा, जिग जैग बैलेंस है वो आपको पार करना होगा दोस्तों। ये तो फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा दोस्तों। उसके बाद में आप जो है फिर आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ये सेना भर्ती रैली की प्रक्रियाएँ होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट है वो सभी ओरिजिनल ले जाना है। आपके डॉक्यूमेंट है उसमें एडमिट कार्ड है, फोटोग्राफ है, आप एजुकेशन सर्टिफिकेट है आप यानी 10वीं 12वीं पास या ग्रेजुएट की हो तो उनके लिए भी फॉर्म आप जो अपने डॉक्यूमेंट है वो ले जा सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ले जा सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट यानी रिलेशन वाला, स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, एविवाहित प्रमाण पत्र, यह सभी होना ज़रूरी है दोस्तों। और आप किसी रिलेशन में हो, भाई या पिताजी आपके फौज में हो तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट आप बनवा कर वो भी ले जा सकते हो दोस्तों। और एक एनसीसी की हुई हो तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी और सी वहाँ पे ले जा सकते हो, आपको छूट मिलेगी दोस्तों इसमें। और एक स्पोर्ट लेवल पर आप किसी भी जो आपका प्रमाण पत्र है वो भी आप ले जा सकते हो सेना भर्ती में, उसमें भी आपको छूट मिलती है दोस्तों। और दोस्तों एक 10 रुपये का जो स्टाम्प होता होगा वो भी आपको ले जाना होगा दोगा। ये दोस्तों अम्बाला जोन से जो सेना भर्ती लिए वो इसका जो संपूर्ण जानकारी दी हुई है दोस्तों। और दोस्तों आपको जो रिपोर्टिंग टाइम वो 12:30 बजे हैं रात की, गेट है उस पर आपको 12:30 बजे से 6 बजे तक जो गेट में एंट्री दी जाएगी, यानी प्रत्येक दिन आप सेना भर्ती रैली का ग्राउंड है उसके गेट है वहाँ पर रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको एंट्री मिल सकती है दोस्तों। इसके बाद में आपको जो गेट है वो बंद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह है अम्बाला जोन से जो सेना भर्ती रैली का संपूर्ण नोटिफिकेशन। तो दोस्तों भारतीय सेना आम नहीं जिंदगी है, सबको नाज है आप पर, ईमानदारी, वफादारी और शराफत इन के कारण ही भारतीय सेना को जाना जाता है। भारतीय सेना की गौरवपूर्ण परंपरागत में शामिल होने का सुनहरा मौका जो आज अद्वितीय और समाप्त नित्य जीवन का अवसर प्रदान करती है। सेना भर्ती कार्यालय अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र जिलों के लिए केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ के युवाओं के लिए 12 मई 2020 से 22 मई 2020 तक तेजली खेल प्रीसम यमुनानगर में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का स्वर्णीय अवसर प्रदान करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये भारतीय सेना रैली में होने वाली जो सेना भर्ती रैली है उनकी संपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि अम्बाला, हरियाणा, यमुनानगर, पंचकुला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र के लिए सेना भर्ती रैली आ चुकी है दोस्तों। ओके दोस्तों, एक लाइक वीडियो के अंत में ज़रूर कर दीजिए ताकि आपका प्यार बना रहे दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।